ले लेते हो। उम्र का कच्चा होता है, भला बुरा भी ना जाने वो बिल्कुल बच्चा होता है। देश पे संकट आए तो पर्वत सा अड़ जाता है, देश पे संकट आए तो पर्वत सा अड़ जाता है। देश में वे का हर एक फौजी बिल्कुल सच्चा होता है। माप तोल कर तुमने लिया था, लौटाया तो आधा है। सैनिक बेटे का शव है और वृद्ध पिता का कांधा है। कितनी माओं की झोली में बेटों के शव डालोगे, कितनी माओं की झोली में बेटों के शव डालोगे। युद्ध का डंका बजा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। युद्ध का डंका बजा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। पूर्व की अर्थी बाप का कंधा बोझ बहुत ही भारी है, पूर्व की अर्थी बाप का कंधा बोझ बहुत ही भारी है। ये वो क्षण है जिसके आगे सारी दुनिया हारी है। इस क्षण से आज़ादी दे दो, इस क्षण से आज़ादी दे दो, लो हम तुमको हल देते हैं। इस क्षण से आज़ादी दे दो, लो हम तुमको हल देते हैं। नक्शों में नापाक रहे ना, अब ये मांग हमारी है। नक्शों में नापाक रहे ना, अब ये मांग हमारी है। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मैं मरूं तो तिरंगा कफना चाहिए। विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में सिखाने, कारगिल के चप्पे चप्पे लिख गए विजय की कहानी। जो शहीद हुए हैं याद करो जरा उनकी कुर्बानी, धन्यवाद। वंदे मातरम। 10 things to know about India's great victory over Pakistan in 1999. The Kargil War was fought in 1999 between India and Pakistan in Kargil, Ladakh. Kargil War was the first war between India and Pakistan after 1971. India launched Operation Vijay to clear the Kargil sector of infiltration by Pakistani soldiers and militants. Atal Bihari Vajpayee led NDA government was in power at the time of the war. The war took place despite the two nations signing the Shimla Agreement. Saved Sagar, the Indian Air Force operation, was a major part of the Kargil War. Operation was officially declared closed on July 26, 1999. Kargil is one of the most recent and the best and infamous examples of high altitude warfare. India lost more than 500 military men in the Kargil territory. Kargil War was one of the few instances where war was fought between two nuclear states. Good morning everyone. Kargil Vijay Diwas is named after the historic success of Operation Vijay. On this day, 26 July 1999, India could successfully recapitulate on its high outposts which had been lost to Pakistani intruders during the Kargil invasion. It is to be noted that this war was fought for 60 days and did end it on 26 July. Even though there were high losses of lives on both sides, Pakistan did suffer greater casualties along with the international humiliation diplomatic. Jai Hind, Jai Bharat. भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय भी चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला था, जिसमें भारत ने अपने 500 से ज़्यादा आजाबाज सैनिक खो दिए थे। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग घटनाओं में शामिल। एक पड़ोसी को उधर महंगी थी मनमानी पड़ी, कारगिल में फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। दन दना दन जब गोलियां चल रही कश्मीर में, अपने वीरों का लहू जब बह रहा था नीर में। दोस्तों से जुदा फिर मौत को कुछ कर गई, जीतने पर की खुशी उत्साह पूरा भर गई। उन सपूतों की हो जय जो इस विजय की शान थे, उन शहीदों को नमन जिनने गवाए प्राण थे। थैंक यू।
26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय से ऊंचा था साहस उनका। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए, 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान कि उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वह लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी, जिस राष्ट्रीय ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जांबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। धन्यवाद। जय हिंद। मैं तेरी उसका पंचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं। पर्वत पर कितने सिंदूर सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों की मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। आप सुनिए, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई? उनकी शहादत का कर्ज अभी भी देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल है क्योंकि सीमा पर सेना शहादत को तैयार है। धन्यवाद। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली 200 बार रोई होगी। शत शत नमन कारगिल। धन्यवाद।